मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गत 3 दिवस से निरंतर प्रदेश में वर्षा की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी शुक्रवार और शनिवार को निर्देश दिए गए थे कि नागरिकों को अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति में किसी परेशानी का सामना ना करने पड़े। अतिवर्षा से प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आवश्यकता के अनुसार राहत शिविर लगाने और प्रभावित नागरिकों को भोजन और अन्य जरूरी सामग्री देने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली से भोपाल लौटकर सीधे स्टेट हैंगर से बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा कर प्रदेश में अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री यादव ने अतिवर्षा से प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स को आवश्यकता के अनुसार राहत शिविर लगाने और प्रभावित नागरिकों को भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। मैं आज बाढ़ नियंत्रण के केंद्र पे आया हूँ और अभी मैंने समीक्षा की, मुझे ध्यान में आया कि बीते दिन 5 घटनाएं हुई थी। इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन हमने कहा कि ये घटनाओं में हमारी सतर्कता रहे, सजगता रहे और एक भी घटना न होने पाए। खास करके आप सबसे भी, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर पुल के ऊपर पानी बह रहा हो तो कम से कम उसको अवॉइड करें, ना जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें छोटे छोटे पुल पुलिया बहुत सारे हैं, प्रशासन कोशिश करता है कि कोई ना जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जा रहे हो तो आपकी जान खतरे में है, आपको बचना चाहिए। कुछ डैम के गेट खुलने वाले हैं कल, जैसे बरगी के 7 गेट खुलेंगे, इसी प्रकार से और भी अलग अलग नदियों के गेट खुलने वाले हैं। जिला कलेक्टर से अपने यहाँ अलर्ट रखते हुए सबको प्रॉपर सूचना करें नीचे के स्तर पे, किसी को कष्ट नहीं हो जाए, इसके संबंध में भी निर्देश दिए। और कुल मिला करके हम सब मिल करके, हम सब जानते हैं कि ये महीना और अगला महीना वर्षा काल का सबसे चुनौती वाला समय रहता है। निश्चित रूप से हम सब मिल करके वर्तमान के इस दौर में वर्षा होना ये भगवान की एक तरह से कृपा है, लेकिन वर्षा से कोई जनहानि नहीं हो, एक दुर्घटना न घटे, इसकी सावधानी रखना भी ज़्यादा जरूरी है। और जल रचनाएं तो काफ़ी बनी है, लेकिन जल रचनाओं से समय पे उनका प्रबंधन भौतिकी दृष्टि से जनहानि विहीन हो जाए, ये प्रबंधन करना सरकार का काम है। मुझे भरोसा है अधिकारी अलर्ट रहेंगे और खासकर जिला कलेक्टर, SP और वरिष्ठ अधिकारी ये कंट्रोल रूम पर बैठ करके 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये काम करते रहे। इसीलिए मैं अचानक उचक चेकिंग के लिए आया था। मुझे संतोष है कि हमारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे हैं।